परीक्षा के दौरान डर, तनाव और घबराहट होना आम बात है। परीक्षा तनाव एक शारीरिक स्थिति है जिसमें छात्र अत्यधिक तनाव, चिंता और असुविधा का अनुभव करते हैं। इसकी वजह से साल भर परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद भी कई छात्रों का प्रदर्शन बिगड़ जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर ACN न्यूज ने कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी से जानना चाहा, जिसमें उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान तनाव पर नियंत्रण करना जरूरी है ताकि छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें। एग्जाम के समय अक्सर विद्यार्थी तनाव और भय के शिकार होते दिखाई देते हैं। इस भय व तनाव के कारण अक्सर सर्वश्रेष्ठ करने से कहीं न कहीं चूक जाते हैं। पर वहीं ऐसे कई विद्यार्थी भी होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर फोकस कर पढ़ाई करते हुए अति सर्वश्रेष्ठ करने सफल हो जाते हैं। शहर की प्रतिष्ठित शाला KPS की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना है व किन परिस्थितियों में अपना बेहतर प्रदर्शन करना है, इसे लेकर टिप्स दिए, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए गुड विशेस देना चाहती हूँ। और बच्चों से मेरी ये कहना है कि आप आखिरी समय की के लिए निर्भर रहें। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसकी पहले से ही तैयारी करके रखें, और जो भी कुछ अगर आपने भूलवश नहीं पढ़ा है उसके लिए अब नए सिरे से पढ़ाई की शुरुआत ना करें। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ाई करें और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। आप स्ट्रेस ऐसे भी होता है कि अब हमने नहीं पढ़ा तो अब हम इसको इंटरनेट से या फ़ोन से या नए तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करते हैं तो वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है क्योंकि आपका दिमाग भटकता है। तो आप मोबाइल का प्रयोग ना करें। कुछ समय अपने ज़रूर खेल कूद में आधा घंटा या अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए लगाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो भी आप अच्छा अपना फल नहीं पा पाएंगे। और इसके अलावा आप भरपूर निद्रा लें, आपकी नींद बहुत होना ज़रूरी है। रात रात भर पढ़ने से आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी ऐसा बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अच्छा भोजन लें, क्योंकि आप बहुत हैवी फूड या जंक फूड अगर खाएंगे तो वो आपके शरीर में जो भी रिएक्शंस होंगे वो आपको ठीक से सोने नहीं देंगे या आपको परेशान करेंगे। तो आप अच्छा खाना खाएं, अच्छी निद्रा लें, किसी भी किस्म का तनाव ना लें। और जब परीक्षा देने जाइए तो ईश्वर को ज़रूर याद करिए, तो वो आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है। जब आप रिलैक्स माइंड में होते हैं तो ही आप अच्छे तरीके से परीक्षा अपना दे सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि अच्छा जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, उसी पे ध्यान दो, उसी को अच्छा करो, और अच्छा खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से रेस्ट करो, और सब अच्छा अगर आप सोचोगे तो ऑल विल बी एवरीथिंग विल बी वेल फॉर यू। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जो नई शिक्षा प्रणाली में अपनी ही भाषा में पढ़ने का एक जो माध्यम है और बहुत कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग का समावेश किया गया है, जिससे कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से और या डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो करते हैं उन चीज़ों को अगर से अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमेशा दिमाग पे दिल पे वो लिख जाती है, याद हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उनका प्रदर्शन परीक्षा में अच्छा होगा और ये फॉरएवर लर्निंग हो जाती है। तो मैं नई शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छा मानती हूँ। परीक्षा से संदर्भ के संदर्भ में आप मैं फिर से वही बोलूँगी कि बच्चों से निवेदन है कि जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, आखिरी समय के लिए इंतज़ार ना करो, नए पाठ्यक्रम की शुरुआत ना करो, और भरपूर नींद लो, घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए इंटरनेट का प्रयोग ना करें। नए ये सारे माध्यम जो हैं वो आपको कभी भी दिमाग ही आपका भटकाते हैं, तो वो आप उसको उसका ध्यान रखें, और अच्छे से सोकर उठ के बढ़िया खाना आप कुछ खा करके और फिर आप परीक्षा देने जाइए। आपका डेफिनेटली परीक्षा जो होगा वो उसका उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा।
वहीं वर्तमान समय में विद्यार्थियों व पालकों के बीच उत्पन्न होती विकराल समस्या असामंजस्यता की स्थिति को लेकर भी प्रकाश डाला व साथ ही बताया कि क्यों पड़ती है पेरेंटिंग की आवश्यकता। आज के समय में माँ बाप बहुत छोटे परिवारों के में रहने लगे हैं और ऐसे में माँ और पिता अपने अपने काम में बिजी रहते हैं तो वो अपने बच्चों का ध्यान कम दे पाते हैं। जब सामूहिक परिवार रहता था तो कोई ना कोई किसी ना किसी का ध्यान बच्चे के ऊपर उसकी गतिविधियों पर रहता था, तो आज पेरेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से स्कूल के ऊपर निर्भर हैं। उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, कौन से संस्कार को ले रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, और चूंकि वो अपना समय नहीं दे पाते हैं तो उसको पेरेंट्स जो हैं वो उनको सुख सुविधाओं को का ज़्यादा बढ़ा करके देखते हैं जिससे वो और ज़्यादा बच्चे स्पॉइल ही होते हैं। तो पेरेंटिंग के लिए मैं यही बोलूँगी, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है समय और संस्कार, और अगर आपने ये दिया है तो आप, और उसके लिए आपको स्कूल से भी सहयोग लेना पड़ेगा। स्कूल में जो भी चीज़ बताई जाती है, आप बच्चा दिन भर जो कर रहा है वो स्कूल की टीचर से आप बात करिए, जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, और टीचर का भी फीडबैक लीजिए, मे भी कभी कभी नेगेटिव फीडबैक भी हो उसको आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जो भी अगर कोई चीज़ गलत पता चलती है वो आपका और टीचर्स दोनों का मिला जुला एक प्रयास ही जो है उसको सही राह पे ले जाएगा। तो पेरेंटिंग के लिए मेरी यही टिप्स है कि बच्चों को आप समय दें, ध्यान दें। प्रयास इतने बेहतर होने चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, यदि विद्यार्थी एग्जाम के समय अपने टाइम टेबल, खान पान व अध्ययन पर ध्यान दे तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। वहीं अगर पालकगण अपने बच्चों को समय दें, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित ही पेरेंटिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।